नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में बिजली महंगी होने की खबर ने दिल्ली का सियासी पारा बढ़ा दिया है। जी हां, इस मामले में अब दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी का एक बड़ा बयान सामने आया है। हर बात की तरह अब केजरीवाल सरकार ने बिजली के जो दाम दिल्ली में बढ़ने जा रहे हैं, इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया है। यानी इसके लिए भी सीधे तौर पर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा है। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने जो बयान दिया है उसमें ये कहा है कि केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से बिजली के दाम बढ़े हैं। ये उनका बयान है। केंद्र को ये बताना चाहिए कि कोयले और गैस की कीमतें क्यों बढ़ रही है, ये सवाल भी आतिशी ने मोदी सरकार से पूछा है। तो ये दरअसल बिजली के दाम दिल्ली में बढ़े जिसको लेकर अब केजरीवाल सरकार की किरकिरी हो रही है, क्योंकि दावा तो वो ये करते हैं कि दिल्ली में फ्री बिजली दे रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ रहे हैं वो भी गर्मी के मौसम में। तो ऐसे में अब केजरीवाल ना सिर्फ विपक्षी दल बल्कि जनता के निशाने पर भी आ गए हैं, जिस पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये मैं आपको बता देती हूं कि आखिर आतिशी जो कि ऊर्जा मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। आपको ये बता दें कि DERC ने बिजली दर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली वासियों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने को लेकर केजरीवाल सरकार अब बिजली के दाम बढ़ते ही बीजेपी और जनता के निशाने पर आ गई है, जिसके बाद दिल्ली में बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर ऊर्जा मंत्री आतिशी ने मीडिया से बातचीत की और ये कहा कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी DERC ने एक आदेश जारी करके राजधानी दिल्ली में बिजली कंपनी का पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट यानी PPAC बढ़ाया है। दिल्ली वालों को पता होना चाहिए कि PPAC क्या होता है और उनके बिल पर इसका क्या असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि बिजली के दाम साल में एक बार तय होते हैं, लेकिन कोयले के दाम में उतार चढ़ाव के हिसाब से PPAC घटता या बढ़ता रहता है। दिल्ली में बिजली बिल बढ़ने के पीछे केंद्र सरकार जिम्मेदार है, ये आतिशी ने बड़ा आरोप जो है वो मोदी सरकार पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि बिजली खरीदने वाली कंपनियां 5 प्लांट से बिजली खरीदती है, केंद्र सरकार 15-50% से ज्यादा कीमत पर कंपनियों को बिजली बेच रही है। आतिशी ने यह भी कहा केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए कि कभी कोयले की कमी नहीं हुई, कोयले के खदान कम नहीं हुए, तो कोयला महंगा आखिर क्यों हुआ, कोयले का प्रोडक्शन कम क्यों, 25,000 रुपये प्रति टन वाले इम्पोर्टेड कोयले का दाम जो डोमेस्टिक कोयले से 10% महंगा है। ये तमाम बातें जो हैं आतिशी की ओर से कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से कोयले के दाम बढ़ते हैं तो दिल्ली की ही नहीं बल्कि देश भर की जो बिजली है वो काफी महंगी होगी। केंद्र सरकार को कोयले और गैस के कुप्रबंधन को ठीक करना होगा। ये आतिशी ने बड़ा आरोप मोदी सरकार पर मढ़ दिया है। हम आपको ये भी बता दें कि हाल ही में मोदी सरकार की ओर से LPG के दाम घटाए गए थे, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दामों में कमी आई थी, जिसके चलते जो गैस कंपनियां थी, पेट्रोलियम कंपनियां थी, उनकी ओर से ये फैसला लिया गया था। लेकिन चूंकि आरोप मढ़ना है, खुद को कहीं ना कहीं पाक साफ दिखाना है, तो ऐसे में अब आतिशी की ओर से आरोप एक बार फिर मोदी सरकार पर मढ़ा गया है। लेकिन जैसे ही ऊर्जा मंत्री आतिशी ने खुद को घिरते देख इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण दिया है, उसको लेकर अब बीजेपी आम आदमी पार्टी को बकसने के मूड में नजर नहीं आ रही है। आपको ये बता दें कि दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए केजरीवाल सरकार पर हमला बोला गया। वीरेंद्र सचदेवा ने जो ट्वीट किया है उसमें ये लिखा है कि केजरीवाल की शह पर DERC ने बिजली की दरों को बढ़ाकर जनता की जेब में डाका डाला है। बिजली कंपनियों से अरविंद केजरीवाल की पूरी तरीके से सांठगांठ है, ये बीजेपी का आरोप आम आदमी पार्टी पर है। वहीं सांसद गौतम गंभीर ने भी
अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि केजरीवाल फ्री बिजली के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। गंभीर ने आरोप यहां तक लगाया कि बिजली कंपनियों के साथ मिलकर 10% रेट बढ़ाया जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि इन्हें आने वाले चुनाव में पैसे की सख्त जरूरत है। आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली की कोई चिंता नहीं है। दिल्ली उनके लिए दुधारू गाय है, जहां से पैसा वसूलिए और बाकी राज्यों में चुनाव लड़िए। तो केजरीवाल को दुधारू गाय जो है वो अब गौतम गंभीर ने बता दिया है कि चुनाव है, कई राज्यों में उन्हें पैसे की जरूरत है, तो दिल्ली में बिजली के दाम जो है वो केजरीवाल सरकार ने बढ़ा दिए हैं। कुछ ऐसा ही ट्वीट प्रवेश साहिब सिंह जो कि सांसद हैं उनकी तरफ से किया गया है। केजरीवाल को घेरते हुए उन्होंने ये कहा कि जब आपकी दिल्ली में सरकार आएगी तो बिजली के रेट नहीं बढ़ने देंगे, ये वादा केजरीवाल ने किया था। लेकिन केजरीवाल ने पावर परचेज एग्रीमेंट को 22% से 29% कर दिया और दिल्ली सरकार ने फिक्स्ड चार्ज के नाम पर 16,233 करोड़ रुपए लोगों से ले लिया। जब बिजली फ्री है तो ये पैसा आखिर कहां गया है, ये सवाल बीजेपी लगातार दाग रही है। आपको ये बता दें कि दिल्ली में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। आतिशी जो कि ऊर्जा मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में, वो ये कह रही है कि जो 200 यूनिट फ्री बिजली है उनके बिल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उससे ऊपर का बिल आता है, मान लीजिए कि अगर 100 रुपये बिल आता है तो उन्हें 108 रुपये अब चुकाने होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया है। ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग मुद्दों को लेकर एलजी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, अब इस पूरे मामले में केंद्र को जिम्मेदार ठहराया गया है। और जैसे ही इस पूरे मामले को लेकर ऊर्जा मंत्री आतिशी ने इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया, वैसे ही दिल्ली की जनता का गुस्सा फूट पड़ा और जनता ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर जनता की इस पूरे मामले पर क्या राय है। तो देवाशीष रॉय नाम के एक ट्विटर यूजर हैं जिन्होंने ये लिखा कि पढ़े लिखे मूर्खों, कभी तो अपनी गलती दूसरों के ऊपर मत डालो। केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरह की गंदी राजनीति करते हैं। अमरिंदम लिखते हैं कि मतलब जो बिजली बिल दे रहे हैं उन पर और बोझ, उनके बिजली बनाने वाला कोयले के दाम बढ़ गए, जिन लोगों के बिजली बिल जीरो आ रहे हैं उनका कोयले का खर्चा नहीं बढ़ा है, उनका कोयले का खर्चा पुराने वाला चल रहा है, या तो सस्ता वाला कोयला स्टॉक कर लिया होगा उनके लिए, और पावर प्लांट भी अलग अलग हैं क्या, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। यानी अरविंद केजरीवाल सरकार पर तंज कसा जा रहा है। ललित चौधरी लिखते हैं कि इनको और कोई काम नहीं है, बस केंद्र को कोसने के अलावा अच्छा हो तो हमने किया, बुरा हो तो केंद्र सरकार ने किया। यानी जनता भी इस बात को बखूबी तरीके से जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं दोगुला चेहरा उनका है। अगर उन पर सवाल उठते हैं, उनकी सरकार पर सवाल उठते हैं किसी मुद्दे को लेकर, तो वो इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, वो इसके लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। वहीं अगर कोई काम अच्छा होता है तो उस पर वाहवाही बटोरनी शुरू कर देते हैं। और ऐसे तमाम मौके पर कहीं ना कहीं देखने को मिला है, जिसको अब जनता भी बखूबी तरीके से जान गई है। इसी कड़ी में नागर लिखते हैं कि मंत्री जी जनता समझदार है, उन्हें बेवकूफ मत बनाइए, कोयला इंपोर्टर्स के साथ केंद्र की सांठगांठ है, ये आरोप बिल्कुल झूठे हैं। ये आरोप जो आम आदमी पार्टी लगाए हैं इसको लेकर भी जनता जवाब दे रही है। पंकज भिमानी लिखते हैं कि जी मुफ्त में बिजली देने का वादा केजरीवाल ने केंद्र से समझौता करके किया था क्या? मुफ्त में बिजली तब तक देंगे जब तक केंद्र सरकार सस्ते दामों पर कोयला देगी, क्या इस तरह का कोई वादा हुआ था? कि आज जो आतिशी ये कह रही है कि केंद्र सरकार इन बिजली के बढ़ते दामों के लिए दिल्ली में जिम्मेदार है, सवाल तो यही जनता पूछ रही है कि क्या जो चुनावों के वक्त वादा किया गया था 200 यूनिट फ्री बिजली देने का, तो क्या वो केंद्र सरकार से पूछकर किया था? आज केंद्र सरकार को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है, ये सवाल अब दिल्ली की जनता का है,
जिसका जवाब दिल्ली की जनता चाहती है। और जाहिर तौर पर लगातार हम ये जो जनता का सवाल है ये सरकार तक और आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि ये सवाल बीते कई महीनों से सालों से बना हुआ है कि जिस तरीके से फ्री के वादे कर वोट तो हासिल कर लिए गए, लेकिन वादों पर जब खरा उतरने की बारी आई तो इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराना, उन पर आरोप लगाना, तो कुल मिलाकर जनता अब जवाब चाहती है। और आप तमाम लोगों की भी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।